150 स्क्वायर फीट के अंदर 4.5 करोड़ का पर मंथ का रेवेन्यू जनरेट करना एक बहुत बड़ी कला है, एक बहुत बड़ी रिसर्च है और डेफिनेटली आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दी रामेश्वरम कैफे के बारे में। और अगर आप एक फूड इंडस्ट्री के अंदर हैं, चाहे एक छोटा कार्ट चलाते हैं या फिर एक लग्जरी रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आज की ये जो स्टडी है, ये जो लर्निंग है, ये आपके लिए बहुत मायने रखेगी। अपने आपका जो कार्ट है या फिर जो आपका रेस्टोरेंट है उसको कैसे अपस्केल किया जाए, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस, मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। अगर हम बात करें साउथ इंडिया के अंदर जाकर और साउथ इंडियन खाना खाने की, तो डेफिनेटली यहां पर कोई भी चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि हर गली के अंदर, हर नुक्कड़ के ऊपर आपको कोई ना कोई सर्विस करने वाला मिल ही जाएगा। चाहे फिर वो हमें इडली सांभर खाना हो या फिर हमें जो है प्लेन डोसा या मसाला डोसा खाना हो, तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर नुक्कड़, हर गली के अंदर एक छोटा कार्ट या फिर एक लग्जरी रेस्टोरेंट जो है वो आसानी से मिल जाएगा। और वहीं पर ऐसी साउथ इंडिया के अंदर, यानी कि बैंगलोर जैसी सिटी के अंदर, एक गैप को आइडेंटिफाई किया और गैप को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल किया, और जिसकी वजह से एक 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर एक कैफे को डिजाइन किया गया और वहां से 4.5 करोड़ पर मंथ का जो रिवेन्यू है वो जनरेट किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं ये कैसे हुआ। सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं 2021 में स्टार्ट हुए दी रामेश्वरम कैफे के बारे में। एक ऐसा ओनिंग बोर्ड, एक के पास में फूड इंडस्ट्री का नॉलेज है और दूसरे के पास में फूड इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, बिकॉज वो एक डिफरेंट डोमेन से आए हैं जिसको हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। जब दोनों ने मिलकर मार्केट के बारे में डिस्कस करा, तो रिसर्च करी और रिसर्च में सामने आया कि यहां पे साउथ इंडिया के अंदर, इवन इन दी बैंगलोर, एक चीज तो यहां पे मिल रही है बहुत आसानी से कि आपको साउथ इंडियन खाना खाना है तो उसके लिए को बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पर उस साउथ इंडियन जो डिशेस हैं उसका जो ऑथेंटिक टेस्ट है वो यहां पर मिसिंग था, और इसी गैप को फिल करने के लिए यहां पे इस कैफे को ओपन किया गया। और जहां पर आज की डेट में 7 से 7,500 जो लोग हैं वो इनके ऑथेंटिक साउथ इंडियन जो टेस्ट है उसको खाने के लिए आते हैं, और जिसकी वजह से ही यहां पर जो है 4.5 करोड़ का जो बिजनेस है वो पर मंथ ये जनरेट कर पाते हैं। सो बेसिकली यहां पे जो है ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न दोनों को मिक्स किया गया है, यानी कि खाने के अंदर जो है वो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन फूड और जिसको सर्व किया जाता है मॉडर्न वे के अंदर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो यहां पे बनाया गया जो लोगों को पसंद आता है, और इसी की वजह से टॉक ऑफ द टाउन जो है वो ये कैफे बनता चला गया, और जिसकी वजह से आज की डेट में इनके पास में इतने हजारों लोग जो है डेली के खाना खाने आते हैं। सो बेसिकली यहां पे एक दूसरी स्ट्रेटजी यहां पे इनकी ये रही कि यहां पर मेन्यू, जहां पर अगर कोई भी बिजनेस की बात करें, कोई भी रेस्टोरेंट्स की बात करें, चाहे वो छोटा कार्ट है या बड़ा रेस्टोरेंट अगर कोई ओपन किया जाता है, तो वहां पे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, बट यहां पर इन्होंने उस मल्टीपल ऑप्शंस को नहीं रखा, बहुत ही लिमिटेड, यानी कि जो मेन्यू है उसको बहुत ही शॉर्ट कर दिया। अब शॉर्ट करने से बेनिफिट क्या हुआ कि ये बन गए एक प्रीमियम ट्रेडिशनल एंड क्विक सर्विस, राइट। यानी कि इन्होंने जो कैफे डिजाइन किया वहां पे हाइजीनिक और प्रीमियम क्वालिटी जो है वो मेंटेन कर ली, और दूसरा यहां पे ट्रेडिशनल जब आप खा रहे हैं तो यहां पे मॉडर्निटी के साथ में आपको एक ट्रेडिशनल टेस्ट दिया जा रहा है, और दूसरी बात यहां पे जो आपकी तीसरी है बेसिकली वो है आपकी, आपको वेट नहीं करना पड़ रहा, आपको क्विक सर्विस मिल रही है। तो ये जो तीनों फैक्टर को यहां पे कंबाइन किया गया वो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज इनका जो मेन्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ऐसे में यहां पे इनकी प्रीमियम ट्रेडिशनल और क्विक सर्विस जो है वो अवेलेबल हो पाई। अब यहां पर इसी फैक्टर के ऊपर में एक और काम किया गया, और वो काम था यहां पे जो मेन्यू डिजाइन किया गया उसको टाइम बेस्ड मेन्यू बना दिया गया। यानी कि अगर आपको एक प्लेन डोसा, एग्जांपल के लिए अगर आपको प्लेन डोसा खाना है तो आपको सुबह 11 बजे से 4 बजे तक ही वहां पर जाना पड़ेगा,
उसके बाद अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है प्लेन डोसा नहीं मिलेगा, और अगर आपको जो है लेमन राइस खाना है तो वो आपको 4 बजे के बाद में मिलेगा। तो ये जो टाइम बेस मेन्यू डिजाइन किया गया, मेन्यू के ऊपर में काम किया गया टाइम बेस पे, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया इनका क्विक सर्विस का। बिकॉज अगर पूरा कंप्लीट जो मेन्यू है वो एक साथ ही पूरे ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा तो डेफिनेटली यहां पर ऑर्डर जो है वो सभी अलग अलग जो मेन्यू के आइटम्स हैं सभी के आएंगे। तो जो सर्विस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, फूड को कुक कर रहे हैं, उनके लिए सभी के ऊपर में काम करना एक थोड़ा सा हैसल हो सकता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, और जिसकी वजह से जो क्विक सर्विस है वो डिले हो सकती है। तो यहां पे उस चीज को भी रिसर्च करके उस मेन्यू को टाइम बेस बना दिया गया, यानी कि पहला तो मेन्यू बहुत शॉर्ट रखा गया और उसके अंदर भी यहां पे टाइम बेस बनाने की वजह से एक और बेनिफिट हो गया कि यहां पे क्विक सर्विस जो है वो इनके लिए इजी हो गई। और इसके साथ साथ में जो यहां पे इनका एक और फैक्टर इन्होंने किया, जहां पर आज हर रेस्टोरेंट जो है वो ऑनलाइन स्विगी जोमैटो वगैरह के साथ में ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहां पर इन्होंने उस चीज को इग्नोर कर दिया। यानी कि अगर आपको दे रामेश्वरम कैफे के अगर आपको कोई भी आइटम आपको खाना है तो आपको फिजिकली वहां पर आना पड़ेगा, तभी आप इनका जो प्रीमियम और ट्रेडिशनल टेस्ट और जो क्विक सर्विस है उसको आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप किसी भी खाने को पैक करके कहीं पे लेके जाते हो तो डेफिनेटली अगर हम डोसे की बात करें, अगर उसको पैक करके रैप करके अगर कहीं भेजा जाए तो डेफिनेटली उसका जो ओरिजिनल टेस्ट तुरंत खाने का होता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। अगर वो खाना वहीं पे खाओगे तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा, वही पार्सल करके लेकर जाओगे कहीं पे आधे घंटे के बाद में खाओगे तो आपका जो टेस्ट है उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके ऊपर में भी काम किया गया, इसी वजह से यहां पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आप दी रामेश्वरम कैफे का जो ऑर्डर है वो नहीं प्लेस कर सकते। अगर आपको इनका ऑथेंटिसिटी वाला जो ट्रेडिशनल साउथ इंडियन टेस्ट है वो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको फिजिकली यहां पर आना पड़ेगा। अब इसके बाद एक और काम किया गया, जब पहला कैफे ओपन किया गया तो वहां पे जब इनको सक्सेस मिली तो अब इन्होंने क्या करा, उस जो कैफे है उसका जो 15 किलोमीटर का जो एक दायरा है, डायमीटर है, उसको तो एक कैफे से कवर किया, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो दूसरे साइड से यहां पर आने के लिए उनको काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो इन्होंने वहां पर भी अपॉर्चुनिटी करी कि यहां का जो टॉक ऑफ द टाउन दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इन्होंने हर जगह पे मल्टीपल जो कैफे हैं वो यहां पे ओपन कर दिए। अब जिसकी वजह से यहां पर इन्होंने भले ही फुटफॉल इंक्रीज हो रहा है, भले इनका जो टॉक ऑफ द टाउन बनते जा रहा है, लेकिन इन्होंने अपना जो कैफे है उसको बड़ा नहीं करा। जो कैफे है उसको बहुत ही छोटी यानी जगह पे जो है ऑपरेट किया जाता है, यानी कि 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर, जिसमें आपको हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत इजी हो जाता है, आपको जो सर्विस देनी है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है, और हर चीज पे यहां पर बहुत डीपली रिसर्च करी गई, और रिसर्च करने के बाद यहां पे जो है आगे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया गया। अब ये कैफे कहीं पर भी ओपन होगा तो इन्हीं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए ओपन होगा, एंड डेफिनेटली जिस दिन भी कहीं पे नया ओपन होगा वो पर्टिकुलर आउटलेट भी इसी तरीके से जो है एक बहुत हैवी रिवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा। सो ये जो एक लर्निंग है वो हर उस फूड इंडस्ट्री वालों के लिए, हर रेस्टोरेंट ओनर के लिए, हर वो फूड कार्ट वालों के लिए कि किस तरीके से हम अपने जो खाना है उसको किस तरीके से आप पॉपुलर बना सकते हैं, टॉक ऑफ द टाउन बना के हम अपना रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि अगर आपको कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप रीच आउट कर सकते हैं बैंगलोर के दी रामेश्वर कैफे के साथ में, वहां जाके एक्सपीरियंस करें कि क्या वो कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 4.5 करोड़ का बिजनेस जो है वो पर मंथ जनरेट कर पा रहे हैं। आई होप गाइस कि ये आपको जो है काफी पसंद आई होगी वीडियो। अगर आप भी अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो है उसमें सक्सेस पा पाएंगे। अदरवाइज बहुत सारे स्टार्टअप ओपन होते हैं एंड बहुत सारे स्टार्टअप डेली बेसिस पे बंद भी हो जाते हैं। मैं मिलता हूं आपको इसी तरह के एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।